जोजो टीवी। एक बहुत सुंदर से जंगल में हरे रंग की कोयल रहा करती थी। उसका रंग हरा था। उसे एक नए घर की तलाश थी। वो एक नए जंगल में जाकर वहाँ कोयलों की आवाज सुनती है और उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन हरी कोयल को देखकर बाकी सभी काले रंग की कोयल आपस में बातें करने लगती हैं। अरे अरे, देखा तुमने, ये तो हरे रंग की कोयल है। हाँ, मैंने ऐसी कोयल कभी नहीं देखी। कोयल तो काली होती है ना, ये कौन सी प्रजाति की है? हरी कोयल उनकी बातें सुन लेती है और सबसे कहती है, नमस्कार, मेरा नाम कुकी है। मैं हरे रंग की हूँ। मैं यहाँ से नहीं, बहुत दूर देश से आई हूँ। हमारे यहाँ पर हरे रंग की ही कोयल होती है। मुझे नए घर की तलाश थी। आपकी सुंदर आवाजें सुनकर यहाँ चली आई। क्या आप लोग मेरी दोस्त बनोगे? हरी कोयल की बात सुनते ही सब पेड़ से उड़कर चली जाती हैं। उनमें से एक काली कोयल हरी कोयल से कहती है, देखो इस जंगल में तुम नहीं हो, अच्छा होगा अकेली ही रहो। देखो, हम सिर्फ काले लोगों को ही अपना दोस्त बनाते हैं। तुम न जाने कहां से चली आई हो, इस जंगल में तो बस काली कोयल ही रहेगी। तुम यहां से जा सकती हो। ये बात सुनकर हरे रंग की कोयल का दिल टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। इतना सुंदर जंगल है, सोचा था यहां नया घर बनाऊंगी, मगर ये लोग तो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते। अब मैं कहां जाऊं? तभी पेड़ से आवाज आती है, अरे अरे, रो क्यों रही हो हरी कोयल, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तुम जब तक चाहो इस पेड़ पर अपना आशियाना बनाकर रह सकती हो। और ये जितनी भी काली कोयल है ना, ये बहुत घमंडी है, इनसे बचकर रहना। तुम चाहो तो हरे तोतों से दोस्ती कर सकती हो, वो बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया, सच में क्या मैं यहाँ अपना नया घर बना लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। हरी कोयल अपना प्यारा सा घोंसला उसी पेड़ पर बनाकर रहने लगती है। एक दिन एक शिकारी आता है, क्योंकि सभी काली कोयल एक साथ बैठा करती थी, सभी जाल में फंस जाती हैं। जब शिकारी उन्हें लेकर जा रहा था, तो कोयल सभी मिलकर जोर जोर से हरी कोयल को आवाज लगाती हैं। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। हाँ, हरी कोयल हमें बचा लो ना। हरी कोयल की नजर भी काली कोयल पर पड़ जाती है। हरी कोयल तुरंत भागकर सभी जानवरों को इकट्ठा कर कर लाती है। सभी जानवर उस शिकारी पर हमला कर देते हैं। शिकारी भगा कर वहाँ से भाग जाता है और सभी कोयलों को सभी मिलकर छुड़ा लेते हैं। काली कोयल अपने घमंड पर बहुत पछताती है। हमें माफ कर दो, आओ बहन हमारे साथ रहो। और अब हरी कोयल अकेली नहीं थी, उसे बहुत सारे दोस्त मिल गए थे। मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थी। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थी। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थी। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की, सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है, और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे, क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है,
हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो। अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है। मुर्गी उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। ना जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थी। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो, आओ थोड़ा आराम करते हैं। एक दो दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। दो चार दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते। गोल्डन रैट हाउस। बहुत दिन पहले सुल्तानपुर नाम के एक शहर के लोग वहां पर चूहे ज्यादा होने के कारण बहुत परेशान थे। किसान का सारा फसल नाश कर रहे थे। चूहे नए नए फसल को जाकर कुछ ही दिन में खराब कर देते थे। कुछ किसान जाकर अपने सरपंच को शिकायत किया। तभी एक दिन चुलबुल पांडे करके एक चूहे पकड़ने वाला सुल्तानपुर में आता है। चूहा पकड़ता हूँ, चूहा, चूहा पकड़ता हूँ, जितना भी बड़ा हो या जितना भी ज्यादा हो, चूहा पकड़ता हूँ। उसको सुनकर सरपंच गिरीश ने उसको बुलवाया और ऐसा बोला, अरे ओ चुलबुल पांडे, हमारे गांव में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर तुम उन सबको पकड़ोगे तो मैं तुम्हें चूहे का 50 रुपए दूंगा। एक चूहे के लिए 50 रुपए? ठीक है साहब, मुझे बस 2 दिन दीजिए, मैं सब चूहों को पकड़ूंगा। ऐसा बोलकर सिर्फ 2 ही दिन में चुलबुल सारे चूहों को पकड़ता है, गिरीश के यहाँ लेके आता है। तभी सरपंच, अरे वाह चुलबुल पांडे, बहुत अच्छा काम किया रे, ये लो तुम्हारा 50,000 रुपए। अब तुम इन चूहों को कहीं दूर ले जाकर मार देना, ठीक है? गिरीश की बात सुनकर चुलबुल पांडे सोच में पड़ जाता है। अरे ओ चूहों, मैं आपको कैसे मार सकता? आप ही की वजह से मैंने 50,000 रुपए कमाया है। मैं आपको कहीं दूर ले जाकर वहां पर छोड़ देता हूँ। आप किसी को तकलीफ किए बिना आराम से खाओ और जियो। ऐसा सोचकर चुलबुल ने सारे चूहों को गांव से दूर ले जाकर छोड़ देता है। ये उसी गांव का एक आदमी देख लेता है और आकर सरपंच गिरीश को बोल देता है। तभी सरपंच और गांव के लोग चुलबुल पांडे की घर आते हैं और उसको पकड़कर बहुत पीटते हैं। चुलबुल की बात को नहीं सुनते हैं, उसकी घर को भी तोड़ देते हैं। अभी चुलबुल के पास रहने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी रोते हुए चुलबुल पांडे ने, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मैंने उन चूहों की जान बचाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तभी चूहों का भगवान एक चूहे के रूप में प्रत्यक्ष होकर ऐसा बोलते हैं, उदास मत हो चुलबुल, मैं तुम्हें एक विशाल चूहे की आकार में सोने का घर देता हूँ, उसी में तुम रहो। उस चूहे की मुंह से तुम्हें जब चाहिए सोने के सिक्के मिलेंगे, उनसे तुम खुशी से रहना।
और देखते ही देखते एक विशाल सोने का चूहा का घर आ जाता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और चुलबुल उसके सामने जाते ही सोने के सिक्के उसके मुंह से निकलते हैं। उन सिक्कों को उसी गांव के लोगों में बांटकर अपना काम करते हुए खुशी खुशी से रहने लगता है। जंगल के पास में एक बहुत सुंदर बागीचा था जहां पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। वहां पर एक पेड़ था जिस पर बहुत ही रसीले मीठे आम आया करते थे। उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक काले रंग का कौआ रहा करता था, मगर उस पेड़ के ऊपर अभी बिल्कुल भी आम आने शुरू नहीं हुए थे। काला कौआ बहुत प्यारा था, सबको बहुत प्यार से आदर से सम्मान से बात करता था। क्या बात है, कहाँ जा रही हो लोमड़ी? कुछ नहीं, अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा ध्यान रखना, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है कालू भाई। कालू इसी तरह सबके साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक एक बड़ा सा कौवा उस बागीचे में आकर रहने लगा। ये बागीचा तो रसीले आमों से भरा पड़ा है, किसी को यहाँ पर खाना है तो मेरी इजाजत लेनी होगी। वो दुष्ट काला कौवा हर किसी को परेशान करने लगा। हर कोई वहाँ से गुजरते हुए 100 बार सोचता। एक दिन कालू के पास वो नया वाला बड़ा कौवा आकर कहता है, तो यहाँ कब से रह रहा है, चल निकल यहाँ से, आज के बाद ये बागीचा बस मेरा होगा, समझा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ और ये बागीचा किसी का नहीं, ये हम सबका है। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा काला कौवा छोटे मासूम कौवे को घायल कर देता है और अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। यह सब रसीला आम का बड़ा पेड़ देख रहा था। रसीला पेड़ कालू को आवाज लगा कर कहता है, सुनो कालू, मेरे पास आओ। कालू हैरान रह जाता है, क्या ये पेड़ से आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब तो बरसों से यहाँ पर रह रहा हूँ ना, तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आम खाना। मेरे आम खाओगे तो बहुत सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और इस बड़े काले कौवे को मार गिराओगे। कालू कौवा यही करता है। अब वो दिन रात सारे रसीले बड़े बड़े आम खाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति बढ़ गई और एक दिन युद्ध के दौरान उसने बड़े काले कौवे को मार गिराया और सारे जंगल और बागीचे को उस दुष्ट कौवे से निजात मिल गई। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थी। तालाब के आसपास घना जंगल था जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं, जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे, ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगत तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझ कर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है, क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है,
हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊँ? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है, आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है। अरे बड़ा आसान है, तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या, हाथ आया मुंह ना लगा, ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बंदर भाई तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे चार बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछाकर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।